तो गाइज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस तरह की इमेजेस बना के अपना खुद का फेस लगा सकते हो, यानी कि अपना फेस स्वाइप कर सकते हो इन इमेजेस के साथ। तो गाइज इसके लिए करना क्या है, आपको अपने लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, देन आपको सर्च करना है बिंग। अब जैसे आप बिंग सर्च करेंगे, यहां से आपको पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जहाँ से आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। और हाँ, जो मोबाइल यूजर हैं वो इसका एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बिंग का अपना खुद का ऐप है जिसका मैं लिंक दिया हूँ, तो जो काम यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर पे कर रहा हूँ आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन की मदद से कर पाएंगे। तो ओपन होने के साथ ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले आपको यहाँ कोने में साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ किसी भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो यहाँ क्रिएट वन पे क्लिक करके आप एक क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस लॉगिन करने के बाद यहाँ ऊपर आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इमेज पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। सो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे ऊपर आपको एक बॉक्स दिखेगा जहाँ पे हमें अपना इमेज जनरेट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट डालना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैं प्रॉम्प्ट डाल रखा हूँ ये भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके मोबाइल में कॉपी करने का सिस्टम है डिस्क्रिप्शन से तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने प्रॉम्प्ट डाला है इसके अंदर यहाँ योर नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से योर नेम को हटा के अपने चैनल का नेम या फिर आप अपना नेम, जिस भी नेम को यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नेम डाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया सोनू। देन आपको सिंपली यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं चार अलग अलग इमेजेस हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एआई ने बना दिया है। तो यहाँ से क्या करना है, इन इमेजेस को आपको क्लिक करके इस तरीके से प्रीव्यू कर लेना, फिर आपको यहाँ राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। गाइज यहाँ पे मैं गर्ल्स के लिए भी प्रॉम्प्ट डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप किसी लड़की का भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे ये इमेज डाउनलोड हो गया है। यहाँ बारी बारी से जितने भी इमेजेज हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। वेल, इमेज जनरेट करके डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर पे एक दूसरा टैब ओपन करना है, देन आपको यहाँ पे remaker.ai सर्च करना है। अब जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ से जो पहला वेबसाइट है remaker.ai, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। सो यहाँ ऊपर आपको होम के जस्ट बगल में फेस स्वैप का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फेस स्वैप पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। सो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको अपलोड ओरिजिनल इमेज का ऑप्शन मिलेगा, सो यहाँ आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। और जो अभी आपने बिंग वाले वेबसाइट से इमेज बनाया था और डाउनलोड किया था उस इमेज को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपको यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे यह हमारा इमेज अपलोड हो गया। अब दूसरी साइड क्या है, अपलोड टारगेट फेस, यानी कि इस इमेज पे आपको कौन सा फेस लगाना है, यानी कि आपका टारगेट फेस क्या है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ अपलोड स्वैप इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करके सिंपली आपको इस इमेज पे जिसका भी फेस लगाना है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे फैजल करके जो एक टिकटॉकर है उनका मैं यहाँ पे इमेज स्वैप कर रहा हूँ, तो इनका पिक्चर यहाँ दूसरी साइड मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको यहाँ नीचे स्वैप का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के साथ ही ये जो हमारा पहला ओरिजिनल इमेज था उसका फेस दूसरा जो हमने टारगेट फेस डाला है उससे स्वैप हो जाएगा। तो गाइस यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं हमारा जो ओरिजिनल इमेज था वो हमारे टारगेट फेस से कैसे रिप्लेस हो गया है। तो इस तरीके से आपको भी अपना जो भी फेस लगाना है इमेज के ऊपर वो आपको इस तरीके से लगा लेना है, देन आपको यहाँ नीचे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के साथ ही आपका फोटो जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा और आप भी इस तरह के इमेजेस बना के अपना फेस स्वाइप कर पाएंगे। इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए मैं तो अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।